अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ड्रग या मेडिकेशंस जो कि हम स्टमक कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टमक कंडीशन हमारे पास जैसे कि यहाँ पे मौजूद स्टमक पेन है, इनडाइजेशन है, हाजमा ना होना, नोज़िया है या फिर वोमैटिंग है, उल्टी आना, दिल ख़राब होना या फिर स्टमक फुल महसूस एक पेशेंट को होता है या फिर हार्ट बर्न है, या इसके अलावा हम बात करेंगे एसिडिटी की, तेजाबियत अगर हो। तो ऐसे कंडीशन अगर एक पेशेंट को या ये साइन एंड सिम्टम्स अगर एक पेशेंट को हो या फिर एक पेशेंट को अपना स्टमक जो है वो फुल महसूस हो रहा हो, ठीक है, स्टमक जो है वो उनको फुल महसूस हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हम बेसिकली, ठीक है, जो ड्रग्स यूज़ करेंगे वो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है एंट एसिड। तो एंट एसिड बेसिकली एसिडिटी को, तेजाबियत को या फिर हार्ट बर्न को या बर्निंग कंडीशन को जो है वो यानी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें मौजूद जो सबसे पहला जो मेडिकेशन है दैट इज़ बेसिकली एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड। हम इसमें मौजूद एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी के साथ हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो मेडिकेशंस है जो बेसिकली हम एक ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको एसिडिटी हो, जिनका हार्ट बर्निंग हो। तो ये मेडिकेशंस अक्सर हमें शरबत के फॉर्म में जैसे कि म्यूकेन है, डाइजेक्स एमपी है ब्रांड नेम में हमें मिलते हैं या फिर गेविस्कॉन के नाम से है, तो ये इन्हीं नामों में या इसी ब्रांड में हमें यानी कि मार्केट से मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने सेकेंड ग्रुप की तरफ चलते हैं तो हमारे पास है PPI, प्रोटोन पम्प इनहेबिटर्स। तो प्रोटोन पम्प इनहेबिटर्स को आसान फॉर्मूले में याद रखने के लिए आप याद क्या करें, फ्लोर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मौजूद पी है, पी स्टैंड्स फॉर पेंटोप्राजोल। तो पेंटोप्राजोल जो है बेसिकली ये क्या है, ये एक PPI है। इसके बाद लेंसोप्राजोल। इसके अलावा हमारे पास है ओमीप्राजोल है, और इसके बाद हमारे पास है रेबीप्राजोल, या फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ई है एसोमीप्राजोल। तो ये सारे के सारे जो मेडिकेशंस है जिसके आखिर में जोल आ रहा है, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, ये प्रोटोन पंप इनहेबिटर्स है। और अगर हम इनको ब्रांड में मार्केट से देखना चाहें तो ये हमें राइजेक के नाम से मिल सकते हैं, ये हमें नेक्जियम के नाम से यानी कि मिल सकते हैं, ये हमें यानी कि एसो के नाम से मिल सकते हैं, ये हमें एक्सिसोम के नाम से मिल सकते हैं और एटसेट्रा। इस ब्रांड में हम अपने मार्केट से इन्हीं मेडिकेशंस को, इन्हीं कैप्सूल्स को या हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपने तीसरे ग्रुप की तरफ चले तो दो ग्रुप्स आर बेसिकली H2 ब्लॉकर्स। उन H2 ब्लॉकर्स में जो मेडिकेशंस है उनका हम अगर जिक्र करें तो उनमें मौजूद फेमोटाइडिन है या फिर सेमीटाइडिन है, और सेमीटाइडिन के साथ साथ जो है रेनीटाइडिन है या फिर निजाटाइडिन है। तो ये जो टाइडिन ग्रुप है ये बेसिकली H2 ब्लॉकर्स है। अब ये जो H2 ब्लॉकर्स है यानी कि इनको अगर हम ब्रांड में हासिल करना चाहे तो ये हमें मार्केट से ब्रांड में जो है वो सीमेड के नाम से हमें मिल सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से हमें फेप्टाइड के नाम से ये मिल सकते हैं, ये हमें अल्फाम के नाम से मिल सकते हैं, ठीक। तो ये वो मेडिकेशन है जो ज़्यादातर हम उन कंडीशन में, अगर ये कंडीशन हो लेकिन ख़ास तौर पे पेशेंट को स्टमक पेन ज़्यादा हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम यही H2 ब्लॉकर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ड्रग्स है वो बेसिकली हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंट एसिड, PPI और H2 ब्लॉकर्स जो आपके सामने है। तो इन्हीं के बारे में अगर आपको फर्दर, ठीक है, यानी कि इनके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या फिर इसी के साथ साथ इनके एडवर्स इफेक्ट या जो साइड इफेक्ट है, तो इन्हीं मेडिकेशंस का इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक।